गाजा में जारी सैन्य अभियान को 10 महीने बीत चुके हैं, मगर अब तक दोनों पक्ष इस युद्ध में उलझे हुए हैं। इसराइल की ओर से एक एक कर शीर्ष नेताओं को ढेर करने के बाद भी हमास पलटवार कर रहा है। युद्ध में जूझ रहे इसराइल के लोगों के सब्र का बांध भी अब जवाब देता दिख रहा है। इसराइल के लोग खुलेआम सरकार पर हमला बोल रहे हैं। सेना और सरकार की रणनीतियों पर सवाल उठाया जा रहा है। इसराइल बड़े पैमाने पर इसराइलियों की सेना में भर्ती कर रहा है। इससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी अब इसराइल के अहम प्रतिष्ठानों पर भी हमला करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। इस कड़ी में अति रूढ़िवादी यहूदी सेना में भर्ती किए जाने से नाखुश होकर इसराइल में प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट को हटाने के खिलाफ हरेदी समुदाय के लोगों का रोष लगातार बढ़ रहा है। एक बार फिर इजरायली सरकार के फैसलों से भड़के लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया। दर्जन भर की संख्या में रूढ़िवादी चरमपंथी प्रदर्शनकारियों ने IDF के तेल हाशोमर मिलिट्री बेस में सेंध मारी की। ऐसा दावा है कि यहां पर यशिवा छात्रों की भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की गई। इसके लिए प्रदर्शनकारियों ने बाढ़ को पार करते हुए मिलिट्री बेस में जबरन घुसने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने तो पुलिस अधिकारियों पर बोतलें भी फेंकी। स्थानीय मीडिया की माने तो विरोध प्रदर्शन के दौरान कम से कम 9 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। वीडियो में हरेदी प्रदर्शनकारियों को, जो कथित तौर पर चरमपंथी यरूशलम गुट से थे, एक गेट को जबरन खोलकर और बाढ़ के हिस्से को तोड़कर बेस में घुसते हुए दिखाई दिए। बताया जाता है कि दर्जनों की संख्या में प्रदर्शनकारी बेस में घुसने में सफल भी रहे थे। प्रदर्शनकारी सुबह से ही मिलिट्री बेस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। IDF भर्ती कार्यालय के एक लाइव वीडियो से साफ जाहिर होता है कि घटनास्थल में हालात बेकाबू थे। दंगाइयों की संख्या घुड़सवार अधिकारियों समेत सुरक्षा बलों से ज्यादा थी, जिस वजह से प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए इजरायली पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने मचाए उत्पात के बाद IDF ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को बेस से हटा दिया है। IDF के ठिकानों को तोड़ना एक गंभीर अपराध और कानून के खिलाफ है। IDF हिंसक व्यवहार की निंदा करता है और जोर देता है कि अपराधियों को न्याय मिलना चाहिए। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स सैनिकों की भर्ती एक ऑपरेशनल जरूरत है। इसे कानून के अनुसार लागू किया जा रहा है और हम इसे बढ़ावा देना जारी रखने के लिए दृढ़ हैं। जो प्रार्थना और पूजा के लिए खुद को समर्पित करने के लिए खुद को समाज से अलग करते हैं, उनकी एक खास पोशाक होती है जिसमें महिलाएं लंबे मामूली कपड़े और सिर ढकती हैं और पुरुष काले सूट या ओवरकोट और बड़ी फर वाली टोपी पहनते हैं। ये पहली बार नहीं है। ये समुदाय काफी समय से अनिवार्य सैन्य सेवा का विरोध करने के लिए लगातार उग्र विरोध प्रदर्शन कर रहा है। यही वजह है कि प्रदर्शनकारी हरेदी समुदाय के लिए विवादास्पद सैन्य मसौदे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हरेदी धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व धार्मिक अध्ययन में शामिल योशिवा छात्रों को तैयार करने किसी भी प्रयास का जमकर विरोध और विरोध करता है। इस समुदाय का मानना है कि सैन्य सेवा उनकी जीवन शैली के साथ ठीक नहीं है। उन्हें डर है कि उनकी भर्ती के बाद उन्हें सेक्युलर बना दिया जाएगा। Good when I am dying. Yeah.